हेलो गाइस, वेलकम टू द टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको देने वाला हूँ थोड़ा सा न्यू टेक्नोलॉजी थोड़ा ज्ञान देने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ कंप्रेसिंग, हाईली कंप्रेसिंग और डीकंप्रेसिंग के बारे में कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आकर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है ये आपके किसी दोस्त के काम आ सकते हैं उसको आप शेयर भी कीजिए। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग आते हैं कंप्रेसिंग पे। कंप्रेसिंग होता क्या है? सो फ्रेंड्स, कंप्रेसिंग एक कोडिंग में ही समझ लो, कोडिंग ये समझो जैसे कि ये है, ये गेम है हिल क्लाइंबिंग रेसिंग या PSP की जो होती है गेम्स, वही समझ लो। सो फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, उस फाइल के अंदर है ना काफ़ी सारे कोडिंग के लिए वर्ड्स होते हैं, तो वो कुछ कुछ काफ़ी बड़े होते हैं और कुछ भाई छोटे नॉर्मल होते हैं। जैसे कि एक सेकेंड, जैसे हम जो अभी कोडिंग मेरे को बनानी है तो कुछ कुछ में से एक्स बहुत बार होगा, कुछ कुछ में से वाई बहुत बार होगा, टी 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 इसमें एक बार एच होगा, किसमें जे। सो फ्रेंड्स, उसको भाई जो छोटा करने के लिए मैं अगर समझो एक्स 50 टाइम लिखा होगा तो वो कर देंगे एक्स 50। तो ऐसे फॉर्मेट ऐसे दिखाएगा कि अभी आपके पास एक्स 50 टाइम्स है, अभी आपके पास एक्स 50 टाइम है, या फाइव समझो 20 टाइम्स है, सो वो इतनी बार कर देगा। तो इससे ना क्या होता है भाई, फाइल का भाई चीज़ें वही रहेगी, फाइल की चीज़ें वही रहेगी, लेकिन हमको लगेगा बस कि भाई थोड़ी कम हैमी में हमको मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही फ्रेंड, जैसे ही हम लोग उसको खोलते हैं, यानी जैसे हम उसको डीकंप्रेस करते हैं, उसकी फाइल बढ़ जाती है, यानी उसकी जो होता है वो एक्स 50, खाली जो एक्स 50 लिखा हुआ होता है वो एक्स 50 जो खाली लिखा हुआ है बाद में वह बहुत बार ऐसे होता जाता है। सो मैं ये बताने वाला हूँ भाई डीकंप्रेस, अभी हम लोग बात करते हैं डीकंप्रेसिंग यही होती है चीज़ें जो ये जो होती कंप्रेस जो फाइल उनको खोलने में काम आती है। जैसे कि मैं कुछ ऐप जैसे जेड आर्चीवर है, ES फाइल एक्सप्लोरर है ऐसे, और कुछ कुछ के में तो फाइल मैनेजर में ही ऑप्शन आता है। जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी हाउ टू एक्सट्रैक्ट और इंस्टॉल PSP गेम्स, आप वो जाके देखिए, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी भाई डीकंप्रेसिंग है क्या। डीकंप्रेसिंग में ना भाई पूरा फाइल खोल देती है। अगर आप PSP की कोई गेम डाउनलोड करते हो, उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, तो वो जो आपको गेम मिलती है वो होती है कंप्रेस, और जैसे ही आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो वो होती है, वो जाती है डीकंप्रेस फाइल, ये डीकंप्रेस्ड फाइल है। अभी हम बात करते हैं हाईली कंप्रेस्ड के बारे में। ये मतलब बहुत सुना था मैंने भी, कि मेरा दोस्त भी बोल रहा था भाई, काफ़ी सारे दोस्त बोले थे कि भाई 2K भाई काफ़ी सारी गेम है, 2K है, 2K14, 2K15, GTA 5 काफ़ी सारी गेम है, हमको हाईली कंप्रेस्ड मिले, हाईली कंप्रेस कोई 290 MB, कोई 25 MB, कोई 55 MB। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने थोड़े दिन पहले ही देखी थी, जो जहाँ से हम लोग PS4 की गेम डाउनलोड करते हैं वहाँ पे हमने देखी थी, जो GTA 5 थी वो तकरीबन थी 30-32 GB तक की थी। अब भी मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन 2K18 की थी वो थी 120 GB की थी, 120 GB। इतना मतलब अब 120 GB को आप मतलब इतना थोड़ी ना कंप्रेस कर सकते कि वो 290 MB, 300 MB, इतना कोई भी कंप्रेस नहीं कर सके और गेम इतनी बराबर चले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि बिकॉज मतलब काफ़ी यार लोड पड़ जाएगा ना फ़ोन पे। जैसे अगर उसको डीकंप्रेस करोगे हो भी सकता है कि आपका फ़ोन बंद भी हो जाए, हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये पता ना भाई कुछ लोग ऐसे हाईली कंप्रेस में इसे दिखाएंगे हाईली कंप्रेस, लेकिन जैसे वो डीकंप्रेस करते हो वही 2.2 GB तक पहुंच जाती है। और ऐसी भाई 2K18 हाईली कंप्रेस ऐसा नहीं होता, 2K18 भाई PS4 के लिए, तो उसके लिए आपको अगर आप वो 120 GB गेम डाउनलोड करें तो वही आपके फ़ोन में ढंग से वर्क करेगी, लेकिन
लेकिन जो बाकी के जो होते 1 GB वाली 2 GB वाली वो ओरिजिनल 2K नहीं होती। आप देखोगे उसके ग्राफिक्स, उसके मूव्स, प्लेयर्स के मूव्स, वो रियल नहीं होते। वो एक जस्ट बना हुआ मोड होता है। मोड मोड ना उसको थोड़ा मॉडिफाई किया होता है वैसे गेम को। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ, ऐसे मेरे पास भी है 2K18। खैर मैं अभी दिखा नहीं रहा, मैं बाद में आपको दिखा दूंगा 2K18 को लेकर। सो फ्रेंड्स, बस यही बताना चाहता हूँ भाई, कुछ लोग ना हाईली कंप्रेस का फ़ायदा उठाते हैं। बस वीडियो के बाद थंबनेल लगा देंगे हाईली कंप्रेस हाईली के, लेकिन ना कुछ इतना होता नहीं है भाई। जैसे आप उसको डीकंप्रेस करोगे देन वो वापस से 1 GB तक पहुंच जाएगी। तो कोई ऐसा मतलब ही नहीं ना ऐसे फाइल डाउनलोड ले जो आपकी बेफालतू में 190 GB स्टोरेज भर ले। इससे अच्छा फ्रेंड्स भाई आप कोई मोड ही डाउनलोड करो 1 GB का, 2 GB का, वही मैं तो वही रिकमेंडेड करूँगा कि उस गेम से तो अच्छा मोड ही अच्छा भाई, फ़ोन बंद होने से अच्छा फ़ोन चालू ही हो। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी तो लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है आपके कोई दोस्त के काम आ सकते तो उसको शेयर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर उसको सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है उनके लिए धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।